दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ग्री ट्यूटर के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको लगातार 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो ब्रीफ ब्रीफ आंसर हैं हम कैसे लर्न करें कुछ ना कुछ हम ट्रिक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा काम पढ़ाने का काम नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारा काम हम कर रहे हैं कि आपको कैसे चीजें याद हो जाए। तो दोस्तों वन बाय वन वीडियो को सिस्टमेटिक देखो। हाँ, एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे लेसन नंबर 6 के पूरे वीडियोस आ चुके हैं। लेसन नंबर 6 में मैंने एक ही वीडियो बनाया, बहुत ही ट्रिक के साथ पावरफुल वीडियो बनाया, बच्चे बहुत ही उसको पसंद किया बच्चों ने। एंड लेसन नंबर 1 का मैंने बनाया, एंड देन लेसन नंबर 3 बच्चों को बहुत ही टफ जाता है, तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं लेके एक दो दिन में ये भी पूरा फिनिश कर दूंगा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर ले रहे हैं और कल हम इसके अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में हम डबल फर्टिलाइजेशन लेंगे। तो दोस्तों आप इसके ऊपर हो सकता है कि आपके एग्जाम में मैच द कॉलम आए, ट्रू और फॉल्स आए, हो सकता है कि यहाँ पे कोरिलेशन के क्वेश्चन आए या ब्रीफ क्वेश्चन है, डायग्राम है, सब मैं याद कराऊंगा मेरे ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना पार्ट आपको याद रखना है। अगर इतना पार्ट अगर आपको सिस्टमेटिक पूरा का पूरा याद है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पे देयर आर 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, पहला याद रखना देयर आर 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, पहले याद करो, बाद में मैं फ्लावर को दिखाऊंगा और पूरा फिर से एक बार आपको सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। इतनी चीजें में से ही आपको क्वेश्चन आएगा। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, याद कर लो, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर टुगेदर कॉल्ड असेंशियल वॉल। तो हम इसे असेंशियल वॉल क्यों बोलते हैं? तो हम इसे असेंशियल वॉल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर परफॉर्म, दे हेल्प इन द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो दोनों चीजें हैं ये किसके अंदर हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? असेंशियल वॉल। देन उसके बाद कैलिक्स एंड कोरोला जो है हम इसे असेसरी वॉल बोलते हैं। हम इसे असेसरी वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनर वॉल को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल। बस इतना याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा? हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या इन द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये यहाँ पे क्या आएगा? टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो सुपर पंच सीरीज का जो ट्रिक है वहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि सर ये तो याद कर लिया पर एग्जाम में सर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में ना समझ में नहीं आता कि इसका उसमें लिख देते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों एज याद रखना है, ये सुपर पंच ट्रिक है हमारा। एज याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम, और ई से क्या आया? असेंशियल, याद हो गया। और दूसरा आपको कैलिक्स एंड कोरोला का असेसरी का आपको सीसीए याद है, आपके स्कूल में सीसीए का प्रोग्राम होता है। तो पहला एज, दूसरा सीसीए, सी से क्या आएगा? कैलिक्स, सी से क्या आएगा? कोरोला, ए से असेसरी वॉल। अगर एग्जाम में मैच द कॉलम कुछ भी आया तो अब तो रॉन्ग होगा ही नहीं, एज और सीसीए। अब दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए। यहाँ पे भी मैं कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ। मेंबर्स का जो क्वेश्चन है वो एक बच्चे बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों बस आपको दो तीन नाम याद रखना है, अपने आप सब चीजें सही हो जाएगी। एंड्रोसियम, द मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमेंस, द मेंबर ऑफ गाइनोसियम इज नोन एज कार्पेल, एंड कैलिक्स के मेंबर्स को हम सेपल बोलते हैं, कोरोला के मेंबर को हम पेटल्स बोलते हैं। मैं एक एक चीजें पीछे दिखाऊंगा, पहले मैं आपको याद करा रहा हूँ। पता है आपको याद नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ध्यान देना मैंने यहाँ पे ट्रिक लिया है। ट्रिक में यहाँ पे देखो, पहले आपको अपने दोस्त अमन शर्मा का नाम याद रखना है। अमन, ए फॉर अमन, ए फॉर एंड्रोसियम, शर्मा से हमें पता चलता है स्टेमेन, तो आपको याद हो जाएगा अमन शर्मा। दूसरा है गायत्री चौधरी, हमने रैंडमली किसी का नाम लिया होगा, कोई वीडियो देख रहा है अगर उसका नाम ये है तो कमेंट कर सकता है, गायत्री चौधरी। जी से गाइनोसियम, चौधरी के सी से कार्पेल, बस आपको ये दो चीजें याद रखना है। देन उसके बाद हमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रिक अप्लाई किया, केस और कॉप, केस एंड कॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। के सी ए, सी ए से क्या आएगा? सी ए से क्या आएगा आपका? कैलिक्स, सी ए से क्या आएगा? कैलिक्स, और केस का एस सी से क्या आएगा? सेपल। आपको सब चीजें याद है पर आप मिस्टेक करते हो। कॉप, को से कोरोला, और पी से क्या आएगा? पेटल। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन इसके बाद अब यहाँ पे मैं डायग्राम का पार्ट आपको बताना चाहता हूँ। डायग्राम के पार्ट के अंदर आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए। सबसे पहले आपको ये वाले पार्ट को ध्यान से देखना है। ये वाले पार्ट पे देखोगे तो देखो यहाँ पे स्टिग्मा दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है देखो स्टाइल दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है? ओरी है। तो याद कर लो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। देन यहां अगर आप देखोगे तो ये जो मेल पार्ट है यहाँ पे देखो एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। ये तीनों पार्ट को हम मिला के अगर तुम्हें एग्जाम में आता है कि पार्ट्स ऑफ गाइनोसियम, तो तुम्हें स्टिग्मा,
स्टाइल एंड ओवरी लिखना है, एंड एंड्रोसियम का जो पार्ट है वो क्या है, एंथर एंड फिलामेंट, याद कर लो, एंथर एंड फिलामेंट किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का। गाइनोसियम का कौन कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये याद कर लेना। देखो ये जो ऐसे फूल की पत्तियां दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, और ये इसका मेंबर्स मैंने ऑलरेडी याद करा दिया, कॉप। और यहाँ पे देखो तुम्हें कैलिक्स दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे कैलिक्स जो नीचे ऐसे पार्ट दिखाई दे रहा है, देन कैलिक्स का जो पार्ट है हाँ उसके मेंबर्स को हम क्या लेंगे, सेपल, जो मैंने आपको पीछे याद करा दिया। एटलीस्ट आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पेडिसेल है। अब देखो वन बाय वन मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इससे ही आप जो मैंने पीछे बताया वही सब है। देखो सबसे पहले आया कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो ये तो एक पहला हो गया। कभी अगर तुम्हें आएगा कि विच इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो तुम इसका आंसर लिख सकते हो। देखो ये जो देखो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड असेंशियल वॉल, ऑलरेडी मैंने एज वाला याद कराया था, असेसरी वॉल ये भी मैंने याद करा दिया है आपको, सीसीए। देन इसके बाद मेंबर ऑफ कोरोला, देखो याद कराया है, मेंबर ऑफ कोरोला याद है आपको, मेंबर ऑफ कोरोला भी मैंने याद कराया था, कॉप। देन इसके बाद कैलिक्स का मैंने केस याद कराया था। देन हाँ देखो यहाँ पेडिसेल का ये याद करना है, स्टॉक रहेगा तो पेडिसेल है, नहीं रहेगा तो सेसाइल करके वहां पे आएगा। देखो गाइनोसियम इज अ फीमेल वॉल एंड इट्स मेंबर इज कॉल्ड कार्पेल, बस ये याद रखना। एंड्रोसियम कौन सा मेल वॉल है जो मैंने अभी यहाँ डायग्राम बताया, और गाइनोसियम कौन सा फीमेल वॉल, एंड ओरी कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, डायग्राम को देख लो, एट द बेस ऑफ द फ्लावर, समझ में। एंड देन यहाँ पे स्टिग्मा इज प्रेजेंट टिप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के जो स्टिग्मा है उसके टिप पे क्या है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। इसमें से आप चार पांच लाइनें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, पर ओवरऑल अगर आपको ये नहीं लिखना है तो मैंने यहाँ पे सब ट्रिक के साथ बताया है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। अब आपको डबल फर्टिलाइजेशन अगर चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, मुझे सच में लगेगा कि आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो ज़रूर मैं नया नया ट्रिक लेकर आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, दिल से थैंक्स, जय हिंद।